नीतीश कुमार मैढ़क हैं, टर टर कर रहे हैं। ये बातें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतराम मांझी कह रहे हैं। जीतराम मांझी का कहना है कि जिस तरीके से देश भर में घूमकर विपक्षी एकजुटता की मुहिम चलाने वाले नीतीश कुमार एकता का परिचय दे रहे थे, तमाम विपक्षी दल के नेताओं को एक मंच पर लाने की बातें कह रहे थे, लेकिन राज्यों में हो रहे चुनावों के बीच, कई राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में चुनाव जब सामने आया तब सारा गठबंधन टूट गया, सब एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ने लगे। ये तो हाल ऐसे हो गया है जैसे मैढ़क टर टर केवल कर सकता है लेकिन एक जगह इकट्ठा नहीं रह सकता है। विपक्षी दलों के गठबंधन यानी जो घमंडिया गठबंधन है, जिसे प्रधानमंत्री घमंडी गठबंधन कहते हैं, घमंडिया गठबंधन कहते हैं, जिसे जो कांग्रेस और नीतीश कुमार की जो मुहिम वाले तमाम विपक्षी दल के नेता है, जिसे इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, उस गठबंधन को लेकर जीतराम मांझी ने तंज कसा है। मांझी ने कहा है कि ये पूरी तरीके से घमंडिया गठबंधन था जो चुनाव के पहले ही जो एकता दिखाने की ये कोशिश कर रहे थे वो सीधे तौर पर बिखर गया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतराम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए तंज कसा है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक बिहार की सियासत में सत्ता में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतराम मांझी, जिनको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री तक बनाया, जेडीयू के विधायक थे, मंत्री बने, फिर बाद में उन्होंने अपनी अलग एक पार्टी बना ली मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद, उसके बाद वो लगातार कभी एनडीए कभी महागठबंधन में शामिल होते रहे, और अब नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से जीतराम मांझी ने एक बड़ा हमला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतराम मांझी ने लिखा है कि इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडी गठबंधन, पहले तो पूरे देश में घूम घूम कर झूठी एकता का परिचय दिया, अब भारत के हर राज्य में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहा है। बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, मैढ़क सिर्फ टर टर कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं रह सकते हैं। जीतराम मांझी ने यह तंज कसा है कि बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि जो मैढ़क है वो केवल टर टर कर सकते हैं, एक जगह पर इकट्ठा नहीं रह सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, या विपक्ष के खेमे में जितने भी नेता दिखाई पड़ रहे थे विपक्षी तस्वीरों में, उन सभी नेताओं को लेकर जीतराम मांझी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। जीतराम मांझी ने विपक्षी दल के नेताओं की तुलना मैढ़क से किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मैढ़क एक जगह नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार विपक्षी दल के तमाम जो नेता हैं वो एक साथ एक तराजू पर नहीं आ सकते हैं। बीजेपी के नेता पहले कह रहे थे कि विपक्षी एकजुटता का यह नहीं है बल्कि ये सभी एक दूसरे को बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अब जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतराम मांझी ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लिखा है, उन्होंने लिखते हुए जो तंज कसा है नीतीश कुमार सहित तमाम विपक्षी दल के मुख्य नेताओं को लेकर, उन्होंने जो व्यंग कसा है उसमें सीधे तौर पर उन्होंने बता दिया है कि विपक्षी दल के जो नेता है वो मैढ़क की तरह केवल टर टर करते हैं और जब जरूरत पड़ता है तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।